हेलो दोस्तों, उस्मान व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं आगरा, और आगरा में देख के समझ ही गए होंगे जो भाई आ रखे हैं पहले, और जो नहीं आ रखे वो हमारे साथ बने रहे हो। दोस्तों टिकट ले लें, फिर चलते दोस्तों अंदर। टिकट ले ली है दोस्तों हमने, 50 रुपये की टिकट है। चलो दोस्तों एंट्री करते चलते अंदर। चलो दोस्तों अंदर की ओर बढ़ते हैं, अब आपको दिखाएंगे ताजमहल और घूमते अंदर दोस्तों और क्या क्या है। चलो दोस्तों बने रहो आप हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अंदर। दोस्तों ये आज हमारी टीम है, यह पूरी टीम नरेश भाई हैं, हमारा फुरकान है, हमारे इस्तेखार भाई हैं, और हमारा लड़का सैफ अली खान है। चलो दोस्तों बढ़ते अंदर की तरफ, बने रहो आप हमारे साथ। चलो दोस्तों अंदर आ चुके हैं हम, आप हमारे साथ बने रहें। यह दोस्तों लाल पत्थरों से बना हुआ, ये दोस्तों दोनों साइड में जो कमरे बने हैं इनको बताया गया है कि जब ये काम चला था इनका तो ये लेबर के लिए, इनके स्टाफ के लिए बनाया गया था रहने के लिए। और चलो दोस्तों अंदर की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों देखो कितना सुंदर है, आप बने रहो हमारे साथ, चलते हैं दोस्तों अंदर। काफ़ी हरियाली है, काफ़ी सुंदरता है। ये देखो दोस्तों चारों तरफ एक ही डिजाइन है। ये निकास है दोस्तों। दोस्तों सुना है कि जो मुमताज़ बेगम थी उनके 14वें बच्चे की जन्म देते समय मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए उनकी याद में यह बनवाया गया था दोस्तों। और आप बने रहो हमारे साथ, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। आप बने रहो दोस्तों, आपको अंदर दिखाते हैं और कुछ बताते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों बने रहो आप हमारे साथ। दोस्तों ताजमहल के जो यह हैं 3 गेट हैं, और तीनों गेट तीनों दिशा में है दोस्तों, और आपको लेकर चलते हैं अंदर। आप बने रहो हमारे साथ, आपको दिखाते दोस्तों अंदर से। ये हमारे नरेश भाई अपना बिजी हैं, ये अपनी वीडियो बना रहे हैं। चलो दोस्तों ये देखो एंट्री, ताजमहल यहाँ से बिल्कुल सामने दिखाई देगा दोस्तों। नरेश भाई, फुरकान भाई, ये हमारा लड़का सैफ अली खान, सब बिजी हैं अपने अपने में। ये इस्तेखार भाई हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं बेचारे ये भी। चलो दोस्तों ये दोस्तों ताजमहल के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। और चलो दोस्तों 7 अजूबा देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं, आप बने रहें हमारे साथ। चलो दोस्तों दोस्तों यह है शाही दरवाज़ा, आप तीनों गेट से कहीं से भी आएंगे पर जाएंगे यहीं से, इसके अलावा कोई गेट ही नहीं है दोस्तों ताजमहल की तरफ जाने का। तो दोस्तों चलो हम भी चलते हैं अब ताजमहल की तरफ को, आप बने रहें हमारे साथ।
दोस्तों ये देखो सामने ताजमहल, हम आ चुके हैं दोस्तों। ये सामने खूबसूरत नज़ारा देखो दोस्तों, पानी भी सामने बिल्कुल नीला हुआ पड़ा है, और ये सामने से देखो दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। ये देखो दोस्तों, चलो अब हम घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं, आप बने रहें हमारे साथ। चलो दोस्तों, आ चुके हैं दोस्तों नज़दीक। ये हमारा स्टाफ आपको हाय कर रहा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? अच्छे होंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपसे। चलो दोस्तों घुमाते हैं और आपको, आप बने रहें हमारे साथ। दोस्तों ताजमहल की जो मीनार हैं, ये चारों तरफ से आप देखोगे चारों तरफ से एक जैसी दिखती है। दो जिस साइड से भी देखोगे तो जो पीछे की इसकी जो होंगी दोनों मीनार वो छोटी नज़र आएंगे। और दोस्तों इसकी जो
ऊंचाई है ताजमहल की गुंबद के ऊपर तक, ये कुतुब मीनार से भी ऊंची है दोस्तों। काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों, निकासी भी बहुत बढ़िया है। नकाशी जो हो रखी है बहुत सुंदर हो रखी है दोस्तों। और इसकी मीनार आप चारों तरफ से किसी साइड से भी देखोगे दोस्तों खड़े होकर, तो सामने वाली जो है बड़ी दिखेंगी और जो पीछे की है वो छोटी दिखेंगे। आप कोई सी साइड भी घूम जाओ चारों तरफ। और इसके बैक साइड में नदी है दोस्तों। दोस्तों यह है मेहमान खाना और इसके दूसरी साइड में जो है मस्जिद है। चलो दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ, आपको और दिखाते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों दोस्तों, ये गुम्बद जो बना है ताजमहल के ऊपर, उसके ऊपर चांद बना है और वो गुम्बद जो है उसकी 3 मंजिल की ऊंचाई है और जो चांद की गुलाई है वो 5 फुट की है दोस्तों, और देखने में लगती है जरे सी। चलो दोस्तों बने रहो आप हमारे साथ। ये मेहमान खाना है दोस्तों, नज़दीक से दिखाते हैं आपको अंदर चल के। चलो दोस्तों बने रहो आप हमारे साथ। दोस्तों अभी मेहमान तो नहीं हैं जो पहले थे, बाकी अब बंदर जो हैं वो मेहमान बने हुए हैं और वो आराम फरमा रहे हैं दोस्तों। मेहमान मेहमान है भाई दोस्तों, कोई भी हो उसमें कोई दो राय नहीं है, मेहमान मेहमान होते हैं दोस्तों। ये थोड़ा थक गए हैं, ये थोड़ा विश्राम कर रहे हैं अभी, ताजमहल के सामने सेल्फी ले रहे दोस्तों। सबका हक बनता भैया, देखो थक गए हैं बेचारे, क्या करें, रात को चल के आए थे अब यहाँ पे आ गए और अब यहाँ पूरे दिन घूमना है दोस्तों, तो थकन तो बनती है। चलो दोस्तों कोई बात नहीं, आराम करने दो, हम चलते आगे। दोस्तों अब चलते हैं मस्जिद की तरफ, ये इधर से मस्जिद है और आपको मस्जिद दिखाते हैं। ये दोस्तों मस्जिद है और बने रहो दोस्तों हमारे साथ, आपको नज़दीक से दिखाएंगे ताजमहल। चलो दोस्तों चलो दोस्तों, हमने 200 रुपये की टिकट ले ली है दोस्तों अंदर जाने के लिए। शाहजहाँ और मुमताज का जो कबर बना है, चलो दोस्तों देखते हैं, अगर वीडियोग्राफी हुई तो दोस्तों वीडियो बनाएंगे, नहीं तो आपको नज़दीक से ताजमहल तो दिखाई देंगे दोस्तों। आप बने रहें हमारे साथ। चलो दोस्तों चलो दोस्तों चढ़ते हैं ऊपर, ये सीढ़ियाँ जा रही दोस्तों ऊपर जाने के लिए, और आप बने रहे हमारे साथ, चलते हैं अब ताजमहल के अंदर। ताजमहल के अंदर जाने का दोस्तों ऊपर से 200 रुपये का टिकट मिलता है और बाकी साधारण टिकट जो है वो 50 रुपये का है, तो आप 50 रुपये में बाहर बाहर नीचे नीचे घूम सकते हो। और अंदर जाने के लिए दोस्तों 200 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों सामने ताजमहल नज़दीक से, इसमें भी निकासी का काम कितना सुंदर हो रखा है दोस्तों। ये मीनार है दोस्तों, ये इधर मेहमान खाना है और एक तरफ मस्जिद है दोस्तों। चलो दोस्तों
बने रहे आप हमारे साथ, चलते अंदर। चलते दोस्तों अंदर की ओर। ये देखो दोस्तों अंदर से मुमताज की और शाहजहां की कब्र। ये दोस्तों गेट है अंदर। और चलो दोस्तों बाहर की तरफ दोस्तों, क्योंकि वीडियो बंदा अंदर बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमें पता नहीं था जितनी हमने बनाई, और अब वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों। अब बाहर की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलो आप बने रहो हमारे साथ, अब बाहर से दिखाएंगे दोस्तों आपको। ये देखो दोस्तों बाहर से कितना सुंदर है, संगमरमर का पत्थर है दोस्तों, कितने साल पुराना पत्थर है दोस्तों, और अभी तक जो है ऐसा का ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ अजूबा यह है दोस्तों, सातवां अजूबा तो है ही है, अजूबा यह भी है दोस्तों कि ये सीमेंट से नहीं बना हुआ, ये और दूसरे धातुओं से बना हुआ है दोस्तों, जैसे कि चूना हो गया और काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों। ये दोस्तों बाहर की तरफ आ गए हम। ये देखो दोस्तों चारों तरफ से देखोगे दोस्तों एक जैसा ही दिखेगा, सेम डिजाइन है, सेम मीनार है, बाकी दो मीनार हमेशा आपको पीछे वाले जो है वो छोटे दिखेंगे। और दोस्तों इसकी मीनार बिल्कुल सीधी कोई नहीं है, ऊपर से बाहर की साइड निकली है चारों मीनार, कोई सी भी देखो। वो इसलिए बनाई थी दोस्तों ताकि अगर ये कभी गिरे तो इसको नुकसान ना पहुँचा सके, बाहर की साइड में ही गिरे मीनार। काफ़ी ऐतिहासिक है दोस्तों, पहली बार आएंगे तो बड़ा सुंदर लगेगा दोस्तों देखने के लिए। ये दोस्तों मेहमान खाना है, ऊपर से दिखा रहा हूँ दोस्तों, नीचे से तो दिखा दिया था आपको। ये देखो दोस्तों कितनी सुंदर है, सुंदरता तो एक अलग ही है दोस्तों, और कारागरी भी है। और दोस्तों इसके अंदर एक सुराख है, जब बारिश पड़ती है तो मुमताज़ के ऊपर जो पानी गिरता है वो कारीगरों के हाथ काट दिए थे, तो उन्होंने भी एक सुराख छोड़ दिया था दोस्तों, तो वो कोई बंद नहीं कर पाया सुराख आज तक। जब भी बारिश पड़ती है तो उसमें को पानी गिरता है उनके कब्र के ऊपर। चलो दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ। चलो दोस्तों चलते हैं बाहर की ओर, अब नीचे उतरते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को दोस्तों, और दोस्तों बेल आइकन दबा लो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे दोस्तों हम कोई से भी वीडियो डालें। चलो दोस्तों आगे बाहर, और कल दोस्तों आपको दिखाएँगे आगरा का लाल किला। चलो दोस्तों बने रहो आप हमारे साथ, चलते हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय।